तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाली ममता बनर्जी को भवानी पर उपचुनाव जीतना जरूरी है ताकि वह पद पर बनी रह सके। उपचुनाव परिणाम 3 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है कि भवानीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रत्याशी है, को रद्द नहीं किया जाएगा और मतदान गुरुवार को ही होगा। एक जनहित याचिका में कोलकाता की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अनिवार्यता के तर्क को चुनौती दे दी गई थी। वर्ष 2011 से 2016 तक ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र रही भवानीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के विधायक सोवन देव चट्टोपाध्याय ने पार्टी प्रमुख को विधानसभा तक पहुँचाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर अब ममता बनर्जी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता 41 वर्षीय प्रियंका टिबरेवाल से होगा, जो कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील है। संविधान के अनुसार किसी भी शख्स को मंत्री बनने के 6 माह के भीतर विधानसभा या विधान परिषद में चुना जाना अनिवार्य होता है। बीजेपी के लिए भवानीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को पदच्युत करने में नाकामी हासिल होने के बाद भवानीपुर में पूरी ताकत झोंक रखी है।